एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। बार बार वो इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं बिना स्वदेशी के स्वराज्य नहीं और बिना स्वराज्य के स्वदेशी नहीं। वो कहते हैं एक सिक्का है, उसका एक हिस्सा स्वदेशी है, दूसरा स्वराज्य है। बात बिल्कुल साफ है। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा माल इस देश में बिकता था। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कंपनी के रूप में आ गई थी भारत में, सुई से लेकर हर बड़ी चीज उसकी यहां बिका करती थी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहिष्कार का अभियान चला रखा था। सन 1905 से स्वदेशी आंदोलन चला रखा था। उस स्वदेशी आंदोलन की मदद से गांव गांव गली गली ये बात लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, अंग्रेजी माल का बहिष्कार करो, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करो, अंग्रेजों की बनाई गई कोई वस्तु मत खरीदो, क्योंकि भारत का उस जमाने में 70 करोड़ रुपया इंग्लैंड जाता था। आज के रुपए के मूल्य से उसको जोड़ा जाए तो 21,000 करोड़ रुपए इंग्लैंड जाता था। तो लोकमान्य तिलक लोगों को समझाते थे कि देश का करोड़ों रुपया बचाना है तो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, अंग्रेजी माल का बहिष्कार करो। और लोगों ने तिलक की बात को इतना ध्यान से सुना और इतना हृदय में उतार लिया, इतना आचरण में उतार लिया कि 1905 से उन्होंने बोलना शुरू किया स्वदेशी पर। 1911 तक आते आते संपूर्ण भारत देश में अंग्रेजी वस्तुओं का बिकना बंद हो गया, पूरा बहिष्कार लोगों ने कर दिया। अंग्रेजी सुई, अंग्रेजी धागा, अंग्रेजी ब्लेड, अंग्रेजी चीनी माने शुगर, अंग्रेजी खाने पीने की वस्तुएं, ब्रेड, बिस्किट, बटर वगैरह, एक एक छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी सब चीजें बंद हो गई। और उस स्वदेशी आंदोलन को लोगों ने कितना हृदयंगम किया आप 2-3 बातों से अंदाजा लगाइए। भारत में जाति समूह है, जैसे नाई जातियों का एक समूह है। लोकमान्य तिलक के स्वदेशी आंदोलन के पहले क्या होता था कि शहरों के जो नाई है वो दाढ़ी बनाया करते थे तो ब्लेड इंग्लैंड से आता था। लोकमान्य तिलक ने जब आह्वान किया कि अंग्रेजी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना है तो लोगों के सामने धर्म संकट पैदा हो गया, तो अब दाढ़ी कैसे बनाएंगे? तो लाखों लोगों ने तो दाढ़ी रखना शुरू कर दिया क्योंकि ब्लेड भारत में नहीं बनता। लेकिन भारत के नाई जाति समूह के लोगों ने एक युक्ति निकाली और उन्होंने कहा कि ब्लेड जैसा ही हम कोई औजार बनाएंगे और उससे दाढ़ी बनाएंगे। तो एक स्वदेशी औजार उन्होंने तैयार किया जिसका नाम है उस तरह। ये उस तरह स्वदेशी आंदोलन के गर्व में से पैदा हुआ है और हजारों हजारों लाखों लाखों नाइयों ने उस तरह को हथियार बनाया और लोगों की दाढ़ियां बनाना शुरू किया। 1911 का चला हुआ उस तरह अभी 2009 में भी चलता है और इस देश के नाइयों की दुकान पर आसानी से मिलता है। आप देखिए कितने गहराई से वो स्वदेशी आंदोलन लोगों में उतरा। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी चीनी का बहिष्कार करो क्योंकि चीनी इंग्लैंड से बनके आती थी, शुगर इंग्लैंड से बनके आती थी। तो भारत के लाखों करोड़ों किसानों ने गुड़ बनाना शुरू किया और गुड़ की फैक्ट्रियां लगी, भट्टियां लगी। जहां जहां गन्ना पैदा होता है हर गांव में गुड़ बनाने की भट्टी किसानों ने लगाई और लाखों टन गुड़ पैदा करने लगे। गुड़ में से राव बनाना शुरू किया, गुड़ में से कई चीजें बनाना शुरू किया और शक्कर की कमी को पूरे देश ने खत्म कर दिया। 5 साल हिंदुस्तान में ऐसे गए जब अंग्रेजी शक्कर नहीं बिक रही थी, गुड़ की कुछ कमी थी, लेकिन 1906-1907 से लेकर 11-12 तक आते आते संपूर्ण भारत देश में चीनी की कमी खत्म हो गई। हजारों लाखों किसानों की गुड़ की भट्टियां चल पड़ी। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू की गई वो गुड़ों की भट्टियां आज भी इस देश में चल रही है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, आप चाहें तो देख आइए। महाराष्ट्र में भी उस इलाके में जहां लोकमान्य तिलक सबसे ज्यादा घूमे थे, पश्चिम महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, इचलकरंजी, ये जो कोल्हापुर वाला इलाका है, सबसे ज्यादा गुड़ बनाने का काम आज वहां होता है। फिर धीरे धीरे भारत के गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में फैला है, आज भी लोग गुड़ बनाते हैं और हमें उपलब्ध हो रहा है। ऐसे ही लोकमान्य तिलक के स्वदेशी आंदोलन के आह्वान पर धोबी जो जाति के लोग हैं उन्होंने कपड़े धोना बंद कर दिया था अंग्रेजी सर्फ या अंग्रेजी वॉशिंग पाउडर या साबुन से। उन्होंने रेह और मिट्टी से कपड़े धोना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं गंगा की तराई के इलाके में एक रेह मिलती है, मिट्टी जैसी सफेद रंग की, उससे कपड़े धोए जाते हैं और उसके धुले हुए कपड़े किसी भी वॉशिंग पाउडर से ज्यादा चमकते हैं, ज्यादा साफ होते हैं और सोंधी सोंधी मिट्टी की सुगंध आती है।
वो जाति समूह के धोबी आज भी इस देश में जीवित हैं जो रेह से ही कपड़े धोते हैं, अभी भी वो वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माने स्वदेशी आंदोलन की इतने साल पुरानी परंपरा को उन्होंने अपने जीवन में जीवित रखा है। हमारे देश में लोकमान्य तिलक ने ऐसे कई पुरोहित तैयार किए जो वर वधु का विवाह कराते थे, लेकिन उनके शरीर पर अंग्रेजी कपड़ा नहीं हो तभी, अगर अंग्रेजी वस्त्र पहने हैं वर वधु ने तो उनका विवाह नहीं कराते थे। ऐसे पुरोहितों की फौज तैयार हुई और उसी फौज ने हमारे देश के लोगों को स्वदेशी वस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी। तो बड़ा जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन उस जमाने में चला, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो स्वदेशी आंदोलन भारत के लोगों की नस नस और नाड़ियों में भर गया। अब मैं आता हूं भारत स्वाभिमान की बात पर। यह लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया, भारत स्वाभिमान इसी काम को 2009 में करने का प्रयास शुरू कर चुका है। आपने बार बार ध्यान दिया होगा, अपने पूरे भारत स्वाभिमान की आत्मा ही स्वदेशी है। अगर पूरे भारत स्वाभिमान के पत्र को आप पढ़ेंगे, घोषणा पत्र, क्रांति पत्र को आप पढ़ेंगे, अग्नि पत्र को आप पढ़ेंगे, संपूर्ण शंखनाद को पढ़ेंगे, जीवन दर्शन को पढ़ेंगे, पूरी पुस्तक की आत्मा अगर कहीं निकल कर आएगी तो वो स्वदेशी में ही निकल कर आएगी। हमारे घोषणा पत्र में स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी कृषि व्यवस्था, स्वदेशी न्याय व्यवस्था, स्वदेशी प्रशासन और शासन की व्यवस्था, स्वदेशी कर व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के स्वदेशीकरण की बात हम कर रहे हैं। तकरीबन यही बात 1905 में श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। तो कहीं कोई अंतर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं है, थोड़े शब्दों का हेर फेर है, भाव बिल्कुल वही है, अर्थ बिल्कुल वही है। तो मैं आज हमारे देश के परम क्रांतिकारी श्री बाल गंगाधर तिलक की स्मृति को प्रणाम करते हुए आपको सिर्फ एक बात रेखांकित करना चाहता हूं, वो ये कि हम जो भारत स्वाभिमान की मदद से करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा और साधारण काम नहीं है, ये वही काम है जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था और करोड़ों हिंदुस्तानियों से उन्होंने करवाया था। ये वही काम है जो भारत की संपूर्ण आजादी के लिए, संपूर्ण स्वराज्य के लिए किया गया था। अब वो अधूरी आजादी और अधूरा स्वराज्य जो हमें मिला है उसको पूर्णता में बदलना है, इसी प्रयास में हम सब लोग लगे हुए हैं। मैं थोड़ा 5-7 मिनट में, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज जन्मतिथि है, उनकी भी स्मृति को प्रणाम करते हुए 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भी 23 जुलाई 1906 को भावरा नाम के छोटे से गांव में मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में एक इलाका है अलीराजपुर, उसको कहते हैं, अलीराजपुर इलाके का भावरा गांव है। 23 जुलाई 1906 को वो वहां पैदा हुए, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, माता पिता उनके बहुत गरीब थे। चंद्रशेखर आजाद के माँ और पिता कितने गरीब थे, कितनी गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, इसका एक ही अनुमान आपको मैं बताना चाहूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की माँ कभी भी विवाह होने के बाद अपने पिता के घर नहीं जा पाई, इसलिए कि उनके पास किराए के पैसे नहीं थे। इस पे ताली मत बजाइए, मैं सिर्फ गरीबी का बखान कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद के परिवार में गरीबी कितनी थी अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनकी माँ हृदय में बार बार पिता के प्रति प्रेम, भाई के प्रति प्रेम होते हुए भी अपने माता पिता के घर सिर्फ इसलिए नहीं जा सकी कि उनके पास किराए के पैसे नहीं हुआ करते थे उस जमाने में। ऐसे परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। माता पिता उनको पढ़ा नहीं सके क्योंकि फीस की व्यवस्था नहीं थी, पैसे का इंतजाम नहीं था, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं, थोड़ा बहुत जो पढ़ सके लिख सके वो पढ़े। अगर आप उनकी स्कूली शिक्षा की बात करेंगे तो उनकी स्कूली शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, उनके पास स्कूली शिक्षा का कोई प्रमाण पत्र नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उनके पिता बेहद ईमानदार व्यक्ति थे, बेहद ईमानदार। वो एक अंग्रेजों के सरकारी बाग में नौकरी किया करते थे। वो चाहते तो कोई रिश्वत और घूस से व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उनका स्वाभिमान इतना ज्यादा था, वो कहते थे कि नहीं, चोरी के पैसे से मैं धन कमाऊं और मेरे बेटे को पढ़ाऊं, इससे अच्छा ये है बेटा बिना पढ़े ही रहे लेकिन मुझे चोरी नहीं करनी पड़े। ऐसे पवित्र पिता की संतान थे चंद्रशेखर आजाद।
13 साल तक घर में रहे, माता पिता की जितनी सेवा हो सकती थी की। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, अकेले ही बेटे थे। 13 साल तक माँ की सेवा की, फिर एक दिन माता पिता को प्रणाम किया और कहा कि अब भारत माता की